दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला बेहद ही रोमांच रहा, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के कैप्टन साकिब अल हसन ने बहुत ही बड़ी कदम उठा लिया है, जिसमें बांग्लादेश के सभी खिलाड़ी सदमे में चले गए हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ साकिब अल हसन के साथ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप भी इंडिया के सच्चे वाले फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिसमें टीम इंडिया ने सबसे पहले बैटिंग करते हुए 184 रन बनाए, जिसमें हर बार की तरह केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए केएल राहुल ने 32 बॉल पर 50 रन बनाए, जो कि आज के मैच में केएल राहुल से यही उम्मीद भी किया जा रहा था। लेकिन रोहित शर्मा हर बार की तरह इस बार भी फ्लॉप रहे, इन्होंने 8 बॉल पर 2 रन का ही योगदान दिया। उसके बाद पिच पर आया किंग कोहली का तूफान, जिसमें पूरा बांग्लादेश उड़ गया। दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली मात्र 44 बॉल का सामना करते हुए 64 रन की एक तूफानी पारी खेल डाली, जिसमें इन्होंने कई गगनचुंबी छक्के भी लगाए। विराट कोहली के इसी बेहतरीन प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया का 184 रन बन गया। वहीं पर बांग्लादेश के तरफ से बैटिंग करते हुए लेथन दास ने 27 बॉल का सामना करते हुए 60 रन की एक विस्फोटक पारी खेली। हालांकि केएल राहुल ने इन्हें रन आउट कर दिया, नहीं तो आज यह मैच को जिताकर ही दम लेते। लेकिन इसी बीच में बारिश भी होने लगी, हालांकि 7 ओवर समाप्त हो गए थे, लेकिन मौसम में बदलाव कुछ समय तक रहा। इसको देखते हुए ओवरों में कटौती कर दी गई और बारिश के कारण दूसरी पाली 16 ओवरों का खेला गया, जिसमें ओवर के हिसाब से रन को भी हटा दिया गया। 16 ओवर में बांग्लादेश को 151 रन का टारगेट दिया गया और आज का मैच अंतिम ओवर के अंतिम बॉल तक चला, जिसमें बांग्लादेश को 6 बॉल पर 20 रन की जरूरत थी और अंतिम ओवर अर्शदीप को दिया गया। और कैप्टन रोहित शर्मा का अनुभव भी सही रहा, टीम इंडिया ने 5 रन से यह मुकाबला जीत लिया। दोस्तों, बांग्लादेश इस मुकाबले को हार जाएगी ऐसा बांग्लादेश के फैंस नहीं सोचे थे, लेकिन बांग्लादेश के हारने के बाद बांग्लादेश फैंस साकिब अल हसन को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं कि यह हार केवल साकिब अल हसन के कप्तानी की वजह से हुआ है। ऐसा कप्तान की बांग्लादेश में कोई भी जरूरत नहीं है, साकिब अल हसन को कप्तानी छोड़ देना चाहिए या फिर उनको फांसी लगा लेना चाहिए। वैसे दोस्तों, साकिब अल हसन के कप्तानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिए।